हमारा जो ट्रैक है उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब इस फील्ड में आपने ब्रेक क्यों किया? देखो, मैं आपको अपने वर्ड्स में इस चीज को थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। रिमिक्स एक ऐसी चीज, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार इंटरव्यू वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं वेरी टैलेंटेड हैंडसम पर्सनैलिटी डीजे प्रिंस प्रो। और दोस्तों प्रिंस भाई को मैं बेसिकली 4-5 साल से जानता हूं और मैंने ना काफ़ी बार बोला कि प्रिंस भाई हमारे चैनल पर आके आप एक इंटरव्यू वीडियो रखो। और बेसिकली मैं प्रिंस भाई के बारे में बताना चाहूं तो प्रिंस भाई म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी पुराने हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दो ना, क्योंकि इंटरव्यू जो है ना बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो प्रिंस भाई सबसे पहले तो आपका वेलकम, थैंक यू सो मच। और जितनी भी जनता आपको देख रही है जो म्यूजिक लवर हैं, सबसे पहले एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन। ओके, मैं आपका प्रिंस पीआरओ और थैंक यू वेरी मच सुधीर भाई, आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया अपने ऑडियंस और मेरे फैंस के सामने जी। और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को आज एक्साइटेड फील कर रहा हूँ आपके साथ, और रियली आज का जो इंटरव्यू होने वाला है बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो सभी इस वीडियो को लाइक करें और अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रिंस भाई सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब आप रिमिक्स फील्ड में आए तो कैसे आए, क्या सोच कर आए और कब स्टार्ट किया रिमिक्स फील्ड को आपने? ओके, देखो सुधीर भाई, मैं आपको बता दूँ, अब से ये 9 से 10 साल पहली बात है, मुझे म्यूज़िक और डीजे का बहुत ज़्यादा भूत सवार था मेरे माइंड पे जी। और मैं मतलब डीजे के ना सॉन्ग्स, कोई भी ऐसा सॉन्ग्स नहीं होता था जो मेरे पास ना हो उस टाइम, और मैं मतलब स्टडी से ज़्यादा डीजे में इंटरेस्ट रखता था। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने धीरे धीरे मतलब मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने सबसे पहले एक लैपटॉप खरीदा, वो स्टडी के लिए मैंने खरीदा था। लेकिन सबसे पहले मैंने उसमें वर्चुअल डीजे, उस टाइम हुआ करता था, मैंने उसमें वर्चुअल डीजे का एक सॉफ्टवेयर होता है, हम बेसिकली उसको प्ले के लिए यूज़ करते हैं, तो मैंने उसमें इंस्टॉल किया। उसके बाद मुझे पता लगा कि हम इससे भी अच्छा FL स्टूडियो हमारा एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, तो उसमें हम अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे फिर यूट्यूब की हेल्प ली और FL स्टूडियो में बेसिकली मैंने वर्क स्टार्ट किया। और जैसे धीरे धीरे मैंने यूट्यूब पर अपना वर्क पब्लिक के सामने मतलब डाला, और मुझे जितना वहाँ पे प्यार मिला मैं अपने वर्ड्स में उसको बयां नहीं कर सकता, लेकिन थैंक्स करूँगा जो मुझे इंस्पिरेशन मिली मेरे दोस्तों की और मेरे फैंस की। और मुझे सच बताऊँ ना, पता ही नहीं लगा कि मेरे एक साल के अंदर 10,000 फैमिली मेरे यूट्यूब पर हो गई थी, और रियली मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय फील करता था म्यूज़िक। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहता हूँ मैं आपकी बात, थोड़ा स्टॉप कर दूँ, कि जैसे होता है कि कोई कॉम्पिटिटर होता है, ठीक है, मतलब आने का रीज़न क्या रहा कि मतलब कैसे आपने सोचा कि मुझे रिमिक्स फील्ड में आना और ये रिमिक्स? हाँ, रीज़न ये था कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती थी कि हम जो चाहते थे, मतलब जो पब्लिक चाहती थी, वो कुछ सॉन्ग्स में नहीं मिल पाती थी, तो मुझे लगा कि मैं इसको कर सकता हूँ। ओके, और मैंने उसको स्टार्ट किया और पब्लिक को पसंद आया। तो कौन से सन में स्टार्ट किया? मैंने 2012 में उसको स्टार्ट किया था। ओके, हाँ। अच्छा प्रिंस भाई, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। यस, क्योंकि आज के टाइम में रिमिक्स इंडस्ट्री काफ़ी फैल चुकी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और नए जो यंग बॉयज़ हैं काफ़ी लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस इतना है कि आपको कम से 8 या 10 ईयर्स इस फील्ड में हो चुके हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो यही पूछना है रिमिक्स क्या होते हैं? ओके, देखो मैं आपको अपने वर्ड्स में इस चीज़ को थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। रिमिक्स एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने मतलब एक वोकल, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ना, उसमें एक म्यूज़िक देने को रिमिक्स हम बोलते हैं। और सच बताऊं तो मैं उसी चीज़ में विश्वास रखता हूं जो हम हैंडमेड, जो हम अपने हाथों से उसको दे रहे हैं, किसी की कॉपी नहीं कर रहे हैं। अगर हम हैंडमेड लोगों को कुछ नया सुना पा रहे हैं अपने मतलब अपने हैंडमेड, किसी का कोई कॉपी नहीं करना है और लोगों को पसंद आ रहा है, उसी को रिमिक्स हम कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आप जो अपने चैनल पे अपलोड करते थे या कुछ भी एक्सपायर्ड रिमिक्स स्टार्ट करा, तो आप किस कैटेगरी पे ज़्यादा काम करते थे, किस टाइप के रिमिक्स ज़्यादा बनाते? मुझे डांस स्पेशल जो रिमिक्स होते हैं मैं उसी पे वर्क करता हूँ, लोगों को भी वही, और सेकंड होता है पब्लिक डिमांड।
ओके, एक चीज और जानना चाहता हूँ मैं, जैसे यंग जनरेशन है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और रिमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, अब उनके दिमाग में एक चीज चलती है कि वो काम तो कुछ और करते हैं, ठीक है, रिमिक्स उनका एक स्टाइल बन गया, हमें इस टाइप का रिमिक्स करना है, ठीक है, और वो देखते हैं यूट्यूब पे या इस चीज का ट्रेंड चल रहा है, वो अपने फील्ड को चेंज करके उसी ट्रैक पे चले जाते हैं। तो ये जानना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए या वो जो उनका मेन स्टाइल है उस पर काम करना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात आज क्लियर कर दूं, ट्रेंड्स पे काम करोगे तो आप कुछ टाइम टिकोगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम वर्किंग करना चाहते हो तो आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आपका एक ट्रैक वायरल हो गया जरूरी या दूसरा, लेकिन अपना खुद का आप एक बेस होता है ना, बेस पे काम करना, जो बंदा बेस पे काम करेगा वो सक्सेस होगा। कोई भी फील्ड हो, बेस से काम करना हमें चाहिए। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे आप रिमिक्स फील्ड में काफी पुराने हो, एक जो परफेक्ट रिमिक्स होता है वो किस तरह से रिमिक्स किया जाता है, वो कैसा होता है? देखो सुधीर भाई, जैसे कि मैं आजकल हमारे लोकल एरियाज में देख पा रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा भी रिमिक्स कर रहे हैं कि प्ले करा डीजे पे और स्पीकर ही खराब हो गए। ओके, तो ऐसा भी रिमिक्स ना करें कि लोगों को हर्ट हो, लोगों का नुकसान हो। अपने रिमिक्स करे हुए ट्रैक को एक दो बार सुने, हो पॉसिबल है तो उसे चेक करें। और सबसे मेन बहुत सबसे मेन बात होती है कि हमारा जो ट्रैक है उसे हम किस तरह से मास्टर कर रहे हैं। हर चीज़ में आप वीडियो वर्क करते हैं तो मास्टरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ की। मास्टरिंग जब तक आप हर एक वर्ड वर्क जो होता है उस पर मास्टर नहीं करोगे तो कुछ भी परफेक्ट नहीं ले पाओगे। और मैं एक परफेक्ट रिमिक्स को एक वर्ड में अगर बोलूँ तो मास्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड रिमिक्सेस। मास्टरिंग बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छा रिमिक्स वही कर सकता है जो 3 से 4 दिन एक ट्रैक को दे रहा हो। भाई एक चीज बताइए आप, जो रिमिक्स होते हैं, रिमिक्स कितने टाइप के होते हैं? ओके सुधीर भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो रिमिक्स 50-60 टाइप्स में हम सुन सकते हैं अगर नेट पे हम सर्च करें, लेकिन मोस्टली मैं जिन पे वर्क कर चुका हूँ मैं उन्हीं की बात करूँगा। जस्ट लाइक क्लब मिक्स हुआ, और हिप हॉप मिक्स हुआ, टपो रिमिक्स हुआ, EDM मिक्स हुआ, डांस रिमिक्स हुआ, और रोड शो रिमिक्स हुआ, बस मोस्टली तो यही होता है जिन पे वर्क करता हूं। जैसे कोई आप रिमिक्स करते होने, ठीक है, yes. तो इनके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है? देखो मैं तो बेस्ट मैं सिर्फ एक ही चीज़ को जानता हूँ, FL Studio एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि मैं जैसे देखा है मैंने YouTube पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री में FL Studio का यूज़ होता है। ओके ठीक है, ये चीज़ें तो आपने बताया और काफ़ी लोगों को चीज़ें नई आपने बताई भी और उन्हें कुछ आज नया पता भी लगा होगा। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ आपसे, अब रिमिक्स फील्ड में हो, प्रोडक्शन आपने करा काफ़ी टाइम से, तो आपके सर कौन रहे, टीचर कौन रहे आपके? ठीक है सुधीर भाई, मैं आपको अपने टीचर के बारे में अगर आप बिलीव करोगे तो ज़रूर बताऊंगा। मेरे जो टीचर रहे, सबसे फर्स्ट टीचर रहे यूट्यूब, और मैं आपको जितने भी ऑडियंस हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हीं को सिर्फ एक ही यहाँ पे एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन है म्यूज़िक इंडस्ट्री में तो यूट्यूब एकदम बेस्ट आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे आपको जीरो से हीरो बनने का मौका मिलता है। FL Studio की बहुत बड़ी बड़ी और बहुत अच्छे लेवल की वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और दूसरा मेरठ से आशु भाई हैं जो मुझे पूरी सपोर्ट करते हैं, और हमेशा ही उनकी सपोर्ट मेरे साथ रही है, तो एज अ गुड ब्रदर एज अ गुड टीचर वो मेरे साथ रहते हैं प्रोडक्शन लाइन में। अच्छा, बेसिकली जो हम इंटरव्यू शूट करते हैं हमारा तो यही मकसद है कि अच्छे टैलेंटेड लोगों को लाया जाए, किसी भी फील्ड में काम करा जाए, और जो जनरेशन है उनको एक मैसेज ऐसा जाना चाहिए, क्योंकि कुछ जो जनरेशन है इस फील्ड में आती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो मेरा यही है कि अगर जैसे रिमिक्स आप कर रहे हो, ठीक है, आपका इंटरव्यू चल रहा है, मैं तो आपसे ही क्वेश्चन करूंगा, और काफ़ी सारे लोगों के साथ किया भी है मैंने इंटरव्यू, रिमिक्स फील्ड में आकर क्या पैसा कमाया जा सकता है? देखो सुधीर भाई, मैं आपको पैसे को लेके एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप, मैं फिर से वही कहूँगा, अगर आप बेस से काम कर रहे हो तो आप पैसा कमा सकते हो ऑफिशियल वर्क करके, लोगों को ऑफिशियल वर्क देके। हाँ, अगर आप खुद का म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो तो पैसा कमा सकते हो, बाकी तो लोग हैं घर घर FL Studio लेके बैठे हुए हैं।
अच्छा, जैसे कोई कमाना चाहे कुछ एडवाइस कि किस तरह का अगर फील्ड में काम किया जाए तो जनरेशन जो है या काफ़ी लोग इस फील्ड में हैं, जैसे कहते हैं ना घिस रहे हैं, है ना, मैं तो क्लियर बोलता हूँ घिस रहे हैं काफ़ी लोग, तो कुछ एडवाइस ऐसी जिस ट्रैक पे वो चलें, अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहो, अगर उस ट्रैक पे वो चलें थोड़ा बहुत इन चीज़ों से अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात, हमारा जो ट्रैक है उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम काम क्या कर रहे हैं, उसको की क्या है, हर ट्रैक की होती है रिमिक्स कर, अगर हम उसी की पे उसको कर रहे हैं तो जेन्युइन वर्क होगा, लोगों को पसंद आएगा। और मैंने भी अब से 1 से 2 साल पहले इस पे वर्क किया है, और जो बाहर के लोग होते हैं, दिल्ली के होते हैं, मुंबई के होते हैं, वो हमारे जो हमारे ट्रैक होते हैं वो सेल कर होते हैं और वो फिर उनको मतलब खरीद लेते हैं। फिर प्रिंस भाई, जब हमारी कॉल पे मैसेज पे बात हुई थी इंटरव्यू के लिए, तो आपने मुझसे कहा कि सुधर भाई अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने प्रोडक्शन छोड़ दिया है, ठीक है। फिर मेरा अंदर से और एक मन करा, मैंने अब तो नहीं, अब तो प्रिंस भाई के साथ इंटरव्यू होना चाहिए, कि क्या रीज़न है, लोगों को पता भी तो लगे कि आपने प्रोडक्शन छोड़ दिया, ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब इस फील्ड में आपने ब्रेक क्यों किया। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा सुधीर भाई, इसमें मैं जैसे देख पा रहा था पिछले 3 साल से इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, जिस टाइप के हम वर्क कर रहे हैं और जिस टाइप से कॉपीराइट और स्ट्राइक आ जाते हैं, सारी मेहनत ख़राब होती है यूट्यूब पे, सबका दिल दुखता है। और मेरा प्रोडक्शन छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न रहा कि मैंने 2 साल पहले अपना जो बिज़नेस लाइन है वो चेंज कर दिया है, मैं अब न्यूट्रिशन लाइन पे काम कर रहा हूँ जैसे कि आप जानते हो, और मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी वहीं से हो रहा है। तो आपको भी ये बात माननी पड़ेगी, जहाँ से हमें बेनिफिट होता है हमें वहाँ पे, जहाँ से हमारा फ्यूचर है हमें वहाँ पे काम करना चाहिए। नहीं चलो ये तो ठीक है, जैसा आपने बताया कॉपीराइट आता है और स्ट्राइक आता है, मगर जो लवर हैं जो आपके गाने सुनना चाहते हैं उनका क्या होगा? क्योंकि मैंने कल वीडियो अपलोड किया और इतने कमेंट आ चुके हैं कि ये चीज़ें कवर जरूर करना, तो लोगों को भी तो पता लगना चाहिए कि आप उन्हें ट्रैक तो दो कम से कम, या यूट्यूब चैनल पर आप काम ही नहीं होगा आपके अब रिमिक्सेस का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जितना मुझे भी लोग मैसेज करते हैं उन सबको देखते हुए मेरा मन करता है कि मैं इनको कुछ नया दूँ पहले की तरह, और कुछ यूनिक दूं, और उसी की पूरी तैयारी के साथ मैं लगा हुआ हूँ। 2 महीने बाद मैं खुद का एक प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ और कुछ यूनिक होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। और मैं सभी अपने फैंस को यही मैसेज दूंगा कि हम जैसे पहले थे उससे बेटर आपको देंगे, ये हमारा वादा है आपसे भी। सर जो पर्सनल सवाल थे आपसे वो तो मैंने इंटरव्यू में आपसे कर लिए, पूछ लिए और काफ़ी अच्छा लगा। कल हमने अपने चैनल पर एक वीडियो शूट किया था मैंने कि आपका इंटरव्यू होने वाला, और उसमें इतने सारे कमेंट आए आपके लवर्स का, तो सभी कमेंट में आपके 1 by 1 पढ़ूंगा जो सब ने आपसे पूछे, और सबका हो सके तो आप रिप्लाई जरूर करना। प्रिंस भाई, पहला जो क्वेश्चन आपसे जो फैंस हैं आपके, मैं 1 by 1 कवर करता हूं और आपको उनका आंसर करना। संदेश कुमार जी ने पूछा है, आपकी लाइफ का सबसे यादगार पल जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। मेरी लाइफ का सबसे यादगार पल, एक बार मैं दिल्ली गया हुआ था और वहाँ पे मुझे समथिंग 50 से 100 मेरे फैन मिले थे, और हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी किया था। वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली म्यूज़िक में, और वहाँ पे काफ़ी नोएडा से लोग आए हुए थे डीजेस वाले, और सच में बहुत अच्छा लगा। और उस पल को मैं जब याद करता हूँ तो जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी अपने आप को फील करता हूँ। ओके, एक सवाल आपसे पूछा है आरिश फरीदी जी ने, माय क्वेश्चन, आप कितना चार्ज करते हो प्रोडक्शन सिखाने का? वैसे तो अब मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाता कि किसी को प्रोडक्शन सिखा पाऊँ, लेकिन मेरे अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं और मैंने 20 to 30 thousand में यहाँ से उनसे चार्ज लिया हुआ है, और हमारा जो क्लास होता है 20 to 25 days का होता है, और मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तब तक वो अपने मतलब पूरे अच्छे तरीके से वो तैयार नहीं हो जाते तब तक मैं उनकी क्लास डिले नहीं करता हूँ। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑल फनी वीडियो के नाम से, भाई आपको 2018 में जो प्यार सबने दिया और जो रोला हुआ डीजे पर आपकी सॉन्ग का हरिद्वार में, उसके बारे में जरूर बताना। 2018 के जो सॉन्ग प्ले हुए आपके उनके बारे में वो जानना चाह रहे हैं। ऑल फनी वीडियोज़ के नाम से उनका चैनल है। हाँ भाई, मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताना चाहूँगा। 2018 के अंदर हमने एक एल्बम निकाली थी और उसमें हमारे 8 ट्रैक थे, मुझे आज भी याद है, और 8 के 8 इतने हिट्स गए थे ना कि मुझे इतना प्यार मिला उन पे, और मुझे बहुत सारे वहाँ से
मैसेज आए, बहुत सारे नए लोगों के मैसेज आए उन ट्रैक्स को लेके, और उन ट्रैक को पूरा साल प्ले किया गया उस डीजेस पर। अच्छा प्रिंस भाई, एक कमेंट एक भाई ने किया है, साइलेंट वॉइस के नाम से उनका चैनल है। ब्रो आपने पीआरओ क्या सोचकर रखा या किया? ओके ब्रो, पीआरओ का मतलब जानना चाहते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, जो पीआरओ का मतलब होता है ना, वो अपने आप को अपडेट करना होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ। जैसे कोई हम सॉफ्टवेयर लेते हैं, कोई ऐप्स लेते हैं, अगर हम उसको प्रो करना है तो उसे अपडेट, उसके लिए पे करना होता है। तो मुझे लगा यार हम भी तो अपडेट वर्जन है ना, तो इसलिए मैंने अपना पीआरओ वहाँ पे अपडेट किया, और वहाँ से मतलब यूनिक चीज़ें मुझे देखने को मिली। जैसे मैंने अपना डीजे प्रिंस से डीजे प्रिंस पीआरओ लगाया, तो मुझे लगा यार ये तो एकदम लीजेंड, हमारा जो नाम है लीजेंड हो गया एकदम। तो वहाँ से बहुत प्यार मिला। एक क्वेश्चन और किया है आपके जो फैंस हैं उनका, पहले मैं नाम बोलता हूँ, फिट इंडिया, हिट इंडिया के नाम से उन्होंने हमें कमेंट किया। भाई इतने कम एज में सक्सेस हो गए, सबके लिए कुछ टिप्स जरूर बताना। वो ये पूछना चाहते हैं कि इतनी कम एज में आप सक्सेस हो गए, कुछ टिप्स जरूर बताओ उन्हें। ओके देखो, थैंक यू, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया। और मैं सक्सेस अभी नहीं हूँ, मैं केवल अपने आप को अपडेट करता हूँ, और जो मुझसे गलती हुई है मैं उसको भूल जाता हूँ। अपने पास्ट को हमें भूल जाना चाहिए, फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें लगे रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में। अगर हमारा इंटरेस्ट है उसी पे हमें वर्क करना चाहिए। जैसे मुझे अगर म्यूज़िक में इंटरेस्ट था तो मैं अच्छे से दो दो तीन तीन बज जाते थे मुझे रात को वर्क करते हुए। हाँ ये भी एक गलत बात है कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं और इधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं, टू लैग पे कभी काम नहीं करना चाहिए। जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है वहीं पे हमें काम करना चाहिए, एक दिन आएगा जिस पे हम उस वर्क पे सक्सेस हो जाएंगे। क्या आप हमारे लिए इस बार कांवड़ यात्रा में कुछ लेके आने वाले हो 2022 की, इस साल तो कुछ लेके आने वाले हो ये पूछ रहे हैं आप सॉन्ग में? सुधीर भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, दो साल से तो हम कोविड को लेके बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और कांवड़ यात्रा भी नहीं हो पा रही है, लेकिन दो साल से अगर हम घर पे हैं तो आप भी अंदाजा लगा सकते हो हम कितना बड़ा बूम करने वाले हैं 2022 में। और मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई सामने नहीं टिक पाएगा। प्रिंस भाई एक कमेंट और किया संदेश कुमार जी ने, और आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किस इंसान पर भरोसा करते हो? ओके संदेश भाई, मैं आपको इस वीडियो के द्वारा एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर हमें किसी पे विश्वास करना चाहिए तो हमें खुद से ज़्यादा विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए, खुद पे सबसे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। क्योंकि आप खुद एक ऐसे व्यक्ति हो जो चाहो कर सकते हो। आप अगर किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पा रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं आप ही की कुछ ना कुछ मिस्टेक है। अगर आप पॉजिटिव हो, खुद पॉजिटिव हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। प्रिंस भाई एक कमेंट और पिक करते हैं हम, आरिस फरीदी जी ने पूछा आपका फेवरेट रिमिक्सर कौन है? देखो सुधीर भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बचपन से फ़ैन हूँ डीजे चेतस का, और चेतस सर के जो गाने होते हैं वो एकदम यूनिक होते हैं, उनकी कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, छोड़ो इस वर्ल्ड में ही नहीं है। और जो हमारे डीजे शैडो हैं और डीजे मर्सी हैं और आजकल जैसे डीजे महेश कोल्हापुर हैं, मैं कुछ जो यूनिक लाते हैं ना उन्हीं का फैन हूँ। सवाल है मेरे विजुअल कैसे लगते हैं? सूरज भाई वर्क अच्छा करते हैं और काफ़ी अच्छा उनका वर्क हम देखते हैं यूट्यूब पे, और मुझे अच्छा लगता है उनका। तो दोस्तों जो भी आपने कमेंट किए हमने प्रिंस भाई से बिल्कुल कवर किए हैं, और किसी का अगर कमेंट पिक नहीं कर पाया तो उसके लिए सॉरी। अच्छा जैसे मुझे बताया भी आपने कि अब आप स्टूडियो ओपन कर रहे हो, तो जब स्टूडियो में आप ओपन होगा प्रोडक्शन जो आप स्टार्ट करोगे, तो उसमें लोगों को क्या क्या नई नई चीज़ें बेनिफिट होंगे या क्या क्या नई चीज़ें उनमें मिलने वाली है आपके स्टूडियो में? देखो मैं अब दोबारा से प्रोडक्शन लाइन में आ रहा हूँ, तो मेरा जो अभी मैंने जो सोचा हुआ है, हम अपने आने वाले प्रोडक्शन में वीडियो और ऑडियो का ओरिजिनल वर्क भी यहाँ पे कुछ लेके आने वाले हैं विदाउट कॉपीराइट, और कुछ हम फ्री सम ट्यूटोरियल्स वीडियोस भी हमारे चैनल पर लेके आने वाले हैं, और कुछ ट्यूटोरियल्स सॉफ्टवेयर्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। और मैं कोशिश करूँगा हमारी थ्योरी क्लासेस भी कुछ वीडियोस हमारे प्रोडक्शन में आपको प्रोवाइड की जाए हमारे चैनल पे। और जो प्यार आपका हमारे 2018-19 में आप सभी का मिला, मैं आप सभी से कोशिश यही रहेगी कि आप सभी को अपना 100% आपको दे सकूँ, और आपका जो प्यार है मुझे पूरा विश्वास है फिर से मुझे मिलने वाला है।
तो थैंक यू सो मच। अच्छा प्रिंस भाई, काफ़ी इंस्पायरिंग वीडियो रहा आपके साथ मेरा, और काफ़ी नए नए टॉपिक आपने लोगों को बताए जो रिमिक्स फील्ड में लोग जानना चाहते थे। और कुछ मैसेज देना चाहते हो जो जनरेशन है या आपके लवर हैं जो आपको प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हो किसी को? बिल्कुल, मैं सभी को मैसेज देना चाहूँगा, जितना मुझे प्यार मिला उसी को मैं रिकवर करूँगा अब 2 महीने बाद। और सभी को थैंकफुल करना चाहूँगा कि मेरी इंस्पिरेशन उन्होंने बनाए रखी। और सभी रिमिक्सर्स जो अब जो ट्रेंड में हैं उन्हीं को एक मैसेज करना चाहूँगा कि जैसे मैंने दिन रात मेहनत की, आप भी ऐसे ही अपडेट कर रहे हो अपने आप को, लेकिन प्लीज़ अपनी एक वैल्यू बना के रखें, उसको ख़राब ना करें। और एक हाई लेवल का जो आप वर्क कर रहे हैं उसको एक मतलब अमाउंट, उसका कुछ ना कुछ अमाउंट रखें, बिल्कुल फ्री में कोई काम ना करें, बिल्कुल, बिल्कुल। वरना जैसे मैं देख रहा हूँ ना, आने वाले टाइम में कोई वैल्यू नहीं रहेगी आपके नाम की। प्यार तो देखो यार, प्यार तो मिलना ही है, जब आप काम अच्छा करोगे प्यार तो मिलना ही है, बिल्कुल। और अपना जो एक वैल्यू है उसको भी बना के रखें। और सबसे लास्ट में मैं थैंकफुल करना चाहूँगा सुधीर भाई का, कितना वैल्यूएबल टाइम आपने मेरे लिए निकाला, और आज का जो वीडियो शूट रहा बहुत अच्छा रहा, और थैंक यू सो मच, आप सभी इतना प्यार दे रहे हैं। और सुधीर भाई का जो चैनल है उसी पर हम जल्दी से कुछ नया वीडियो लेकर आएंगे, तो आप सभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छा और प्यारा इंस्पिरेशन वाला चैनल है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे प्रिंस भाई, डीजे प्रिंस प्रो खतौली से। तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर जो रिमिक्स फील्ड हो गई और आपके डीजे सेटअप हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, कंपोजर हो गए, हम चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को आपके सामने लाएं जो आपको कुछ नई चीज़ें बताएं और आपको अपनी फील्ड में कुछ चीज़ें सीखने को मिले, और आप जिस उनसे उन चीज़ों को जानकर आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं जल्द ही एक इंस्पायरिंग इंटरव्यू के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।